हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो होती है वो लेयर 3 होती है, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। और इसको जनरली हम बोलते हैं SaaS, डेट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेसिकली क्या करती है, इट ऑफर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज ए सर्विस टू द यूज़र्स। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़र को प्रोवाइड करती है वाया ऑनलाइन मीडियम, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस की, कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, या मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है CRM एप्लीकेशंस के अंदर। CRM एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, दे आर द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है CRM का जो कि क्लाउड के थ्रू होता है वो है Salesforce। तो पहली एप्लीकेशन हो गई CRM के अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड होती है, इसमें हेल्प डेस्क में यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा। देन HR सॉल्यूशंस एंड बिलिंग एंड इनवॉइसिंग। सो और भी बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो ये यहाँ पे मैंने 4 लिखी हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, इसके अलावा भी एप्लीकेशन है जहाँ पे ये यूज़ होते हैं। सो अब एक बार देखते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का डायग्राम कि किस तरह से ये काम करता है थोड़ा। हमारे पास क्या होता है, एक क्लाउड प्रोवाइडर है और क्लाउड प्रोवाइडर के पास कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दिस, दीज आर सम ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज। और ये है क्लाउड प्रोवाइडर, मतलब कि कोई भी कंपनी जो क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। तो फिजिकल रिसोर्सेज से वर्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट की जाती हैं, और यहाँ से हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्लाउड के अंदर इनबिल्ट होते हैं, क्लाउड के अंदर एम्बेडेड होते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच आर एम्बेडेड और इंटीग्रेटेड इन टू द क्लाउड एनवायरनमेंट, और इन सॉफ्टवेयर्स को अब हम किसको दे देते हैं यूज़ करने के लिए, टू द क्लाउड क्लाइंट। सो दीज आर द क्लाउड क्लाइंट्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, डायरेक्टली क्लाइंट उसको यूज़ कर रहा है। अब इनको यूज़ करने के लिए क्लाउड क्लाइंट क्या करेगा, क्लाउड क्लाइंट एक छोटी सी फीस किसको देगा, क्लाउड प्रोवाइडर को। सो आप यहाँ पे बना सकते हो दैट क्लाउड क्लाइंट मे पे, कई बार फ्री भी होती है, सो मे पे अ लो कॉस्ट टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री टू यूज़ होते हैं, बट कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। जो SaaS है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। सो बेसिकली उसी के ऊपर बिल्ट है ये पूरा। नाउ लेट अस सी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स की, दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग और इट इज़ मेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे कि आपको वर्ड की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, एक्सेल की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो आप अपने सॉफ्टवेयर्स को ओवर द इंटरनेट इनको यूज़ कर सकते हो। देन मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर बाय वेंडर। नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रख रहा है, वेंडर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन और यूज़र बेस्ड लाइसेंस।
कि जितना आपको यूज़ करना है आप उतना ही दोगे। तो ये जो है इसका सब्सक्रिप्शन और यूज़र बेस और कॉस्ट इफेक्टिव, इसका बेसिकली मतलब कितना है, पे एस पर यूज़, जितना आपको यूज़ करना है आप उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे इसमें। देन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी होती है, जब आपको चाहिए उसी वक्त चाहिए होता है। सो ऑन डिमांड का एक मतलब क्या है, अवेलेबल एनी वेयर एनी टाइम, जस्ट यू नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन और उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो। ईजिली स्केलेबल होता है, जितना आपको सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप उतना पे करके उसको यूज़ कर सकते हो। एंड इट वर्क्स ऑन अ शेयर्ड मॉडल। शेयर्ड मॉडल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज एक सॉफ्टवेयर है ये, तो इसको बहुत सारे क्लाइंट्स यूज़ कर रहे होंगे, लेट अस से क्लाइंट 1, 2, 3 और ये सॉफ्टवेयर है, तो शेयर्ड मॉडल के ऊपर करता है। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर, वही चीज़ है कि जो ऑटोमेटिक अपडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर अपने आप होती रहती है। तो इसका मतलब है द क्लाइंट विल ऑलवेज गेट्स, क्लाइंट विल ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नाउ वी विल लुक सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं यूज़ करने के। सो कुछ तो आपको यहीं से पता लग रहे हैं जो इसके यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इसके अलावा क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है इसका, यू विल गेट मॉडर्न सॉफ्टवेयर टूल्स टू यूज़, जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर टूल्स हैं वो आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं। देन वी विल हैव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस टू द यूज़र, मतलब कि यूज़र को वरी करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्लाउड सर्विस है और यहाँ पे कोई एक सपोज सॉफ्टवेयर है, अब चाहे तो यूज़र विंडोज़ मशीन के ऊपर हो, चाहे यूज़र मैक मशीन के ऊपर हो और चाहे यूज़र लिनक्स बेस्ड मशीन के ऊपर हो, इनमें से किसी भी मशीन के ऊपर हो यूज़र, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे ये जो क्लाउड का सॉफ्टवेयर है ये सर्वर पे लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, बट इन यूज़र्स को जब इससे काम करना है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द यूज़र इंडिपेंडेंस ऑफ प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग। सो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे जनरली, और बेसिकली इंटरनेट पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस टू द यूज़र। देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है उसका अच्छे से यूज़ करती है जो क्लाउड की कंपनी है। एंड मल्टी टेनेंट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, शेयर्ड रिसोर्सेज, एक ही सॉफ्टवेयर को बहुत सारे यूजर्स के बीच में शेयर किया जाता है, सॉरी। एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, अब इस सॉफ्टवेयर का जो मैनेजमेंट है, चाहे उसको हज़ार यूज़र्स यूज़ कर रहे हो बट उसका जो मैनेजमेंट है वो एक सिंगल सेंट्रलाइज एडमिन करता है। सो ये जो एडमिन होगा जो इसको मैनेज करेगा इस सॉफ्टवेयर को, इस क्लाउड सर्विस को, वो सेंट्रलाइज्ड है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो अभी तक तो हमने बात करी कि SaaS के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अब हम बात करेंगे कि SaaS के क्या इश्यूज़ हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है SaaS को यूज़ करने का, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज़ करने का। सो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो है ब्राउज़र बेस्ड रिस्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट अस से एक यहाँ पे यूज़र है, ठीक है, एंड दिस यूज़र इज़ वर्किंग ऑन इट्स ब्राउज़र, सो ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहा है टू एक्सेस इंटरनेट, और ये यूज़र कोई मलिशियस वेबसाइट को विज़िट कर लेता है, सो दिस इज़ स्टेप नंबर वन, और ये यूज़र किसी मलिशियस वेबसाइट को यूज़ कर लेता है। अब मलिशियस वेबसाइट को यूज़ करता है तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ हार्मफुल कोड इसके
ब्राउज़र के ऊपर इंस्टॉल्ड हो गया. दिस इज़ पार्ट टू. सो वी कैन राइट मलिशियस कोड गेट्स अटैच टू द ब्राउज़र. नाउ इसके ब्राउज़र में ये मलिशियस कोड लेट अस से एम्बेड हो गया. इसके बाद क्या हुआ, इस यूज़र ने अपना क्लाउड के ऊपर कोई एप्लीकेशन को विजिट किया, लेट अस से 3. सो व्हाट इज ही इज डूइंग इज ही इज एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर, लेट अस से अ वर्ड फाइल और वर्ड एप्लीकेशन ऑन क्लाउड. अब क्योंकि ये मलिशियस कोड भी था यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये मलिशियस कोड साथ साथ इसमें यहाँ चला जाए और इस फाइल को इन्फेक्ट कर दे. सो दिस फाइल मे गेट इन्फेक्टेड बाय द मलिशियस कोड. सो ये एक ब्राउज़र का रिस्क है, ब्राउज़र बेस्ड रिस्क है सॉफ्टवेयर सर्विस को यूज़ करने का. ठीक है, सो यू कैन राइट कंप्लीट थ्योरी अबाउट दिस यूजिंग दिस डिस्क्रिप्शन. नाउ द सेकेंड इज नेटवर्क डिपेंडेंस. सो नेटवर्क डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर सर्विस इज अवेलेबल टिल देर इज इंटरनेट कनेक्शन. जब तक इंटरनेट कनेक्शन होगा तब तक आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की सर्विस मिलेगी. तो एक तरह से जो नेटवर्क है आपका उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई. और जो इंटरनेट कनेक्शन है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मिनट चल रहा है फिर बंद हो गया, फिर चल रहा है फिर बंद हो गया. उसमें जो आपकी फाइल है वो करप्ट होने के चांसेस रहते हैं. देन द पोर्टेबिलिटी इशू. नाउ दिस पोर्टेबिलिटी इज बिटवीन डिफरेंट SaaS क्लाउड्स. सो दिस पोर्टेबिलिटी इशू इज टॉकिंग अबाउट द पोर्टेबिलिटी अमंग डिफरेंट SaaS क्लाउड मॉडल्स. सो हो सकता है कि सपोज आपने एक वर्ड फाइल को स्टोर किया था क्लाउड सर्विस 1 पे एक यूज़र ने, और वो चाहता है कि इस फाइल को वो एक्सेस करे किसी दूसरे क्लाउड के अंदर. ठीक है, सो दे मे बी सम पोर्टेबिलिटी इशू हियर. हो सकता है कि ये वाली जो वर्ड फाइल है इसको ये सपोर्ट ना करे, मे नॉट बी सपोर्टेड. सो दिस इज द SaaS इश्यूज. सॉरी, नाउ वी विल सी वेरियस प्रोवाइडर्स ऑफ SaaS, कुछ एग्जांपल्स SaaS के जो प्रोवाइडर्स हैं इसके. सो जो इसके प्रोवाइडर्स हैं उनमें सबसे कॉमन है NetSuite. आप इनमें से कुछ को यूज़ कर सकते हो, AT&T, इंटैक्ट एंड सो ऑन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.